इस अविश्वास प्रस्ताव से विपक्ष को क्या हासिल हुआ? जी, ये जो विश्वास प्रस्ताव है कोई बात नहीं जी। होता क्या है ना कि विपक्ष की थोड़ा स्थिति समझिए, 2014 में जब लगातार घोटाले हो रहे थे, 2013 की बात, ये लोग इतने आश्वस्त थे कि इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने बोला भाई सरकार हमारी बनेगी, बीजेपी आएगी तो साल दो साल में वो निपट जाएगी। 2019 में भी यही हुआ, इनको लग रहा था कि बीजेपी स्टेबल हो ही नहीं पाएगी, रह रहते इनको हिस्टीरिया पड़ते हैं पॉलिटिकल, अरे बीजेपी की सरकार गिर गई, इस तरीके के इनको दौरे पड़ते हैं। जब ये दौरे पड़ेंगे तब जी अविश्वास प्रस्ताव लाओ, यानी 6 महीने 8 महीने बाद चुनाव है, ये उसका इंतजार नहीं करेंगे। ये इनका एक कुत्सित प्रयास है, असफल प्रयास है, ये कर लो जी वैसे कर लो, आज सरकार गिर गई कल सरकार गिर जाएगी, ये कर देंगे तो सरकार गिर जाएगी। 10 साल में इन्होंने सारे घोड़े खोल लिए हैं, सिर्फ और सिर्फ ये इसका मंशा ये है कि कैसे और कितने जल्दी प्रधानमंत्री मोदी से, बीजेपी की इस सरकार से छुटकारा पाए। इनको न देश से मतलब है न मुद्दों से मतलब, कभी हाँ बोलेंगे कभी ना। जो आपने बोला सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, प्रधानमंत्री को लाओ जी, फिर बोलेंगे प्रधानमंत्री आ जाएंगे तो क्या होगा, आए या ना आए। तो ये कंफ्यूज्ड है, कभी नाम बदलते हैं, यूपीए 10 साल जो सबसे सक्सेसफुल अलायंस इनका रहा उसका नाम इन्होंने बदल दिया, I.N.D, यानी इंडिया में भी इन्होंने डॉट 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 लगा दिया, सेपरेशन कर दिया, कोई आइडियोलॉजी नहीं है। ये इस मेंटल स्टेट ठीक है मिश्रा जी, नहीं आ रहा है। मैं दोबारा आता हूँ, दोबारा आता हूँ।